हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दीपन गोगोई। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। और देखेंगे आज क्रूड ऑयल या बाय में जा सकता है या शॉर्ट सेल में जा सकता है, तो कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं उसका भी ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट 3733, फर्स्ट रेजिस्टेंट 3786, सेकंड रेजिस्टेंट 3839, थर्ड रेजिस्टेंट 3892, फर्स्ट सपोर्ट 3680, सेकंड सपोर्ट 3627 एंड द थर्ड सपोर्ट 3574। तो मैंने ये क्रूड ऑयल का डेली चार्ट लिया, तो मैंने शायद आपको याद होगा तो क्रूड ऑयल का मैंने आपका एक सपोर्टिंग लाइन दिया था, ये शायद 4-5 दिन पहले। तो यहाँ मुझे लगता था यहाँ पे मार्केट मतलब यहाँ तक आएगा, क्योंकि लगता नहीं था। ये जो टेक्निकल एनालिसिस का जो मेथड होता है, अकॉर्डिंग टू मेथड टेक्निकल, तो मुझे प्रोबेबिलिटी था तो मार्केट अराउंड 3450 लेवल तक आना चाहिए था, जो मार्केट यहाँ पे था। तो मुझे लगा यहाँ तक आएगा, तो मार्केट यहाँ तक आ गया। तो वहाँ से जब यहाँ से आया तो मुझे सबको बाय करने के लिए बोला था, शायद जिसने देखा होगा ये जो क्रूड ऑयल, तो यहाँ से बाय किया होगा, तो बहुत ने यहाँ से बाय किया था। तो आज देखेंगे हम यहाँ से मार्केट, और एक मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन डाला था शायद कल, तो एग्जैक्टली 3772 पे, 377 राइट टू पे एक रेजिस्टेंस लाइन डाला था। तो ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होगा या यहाँ से आएगा, और क्यों मैंने ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन डाला था, तो आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ताकि आप भी अपना सेटअप में डाल सके। तो मैंने पहले वीकली किया था, ठीक है, वीकली मैंने इसलिए डाला था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टचिंग पॉइंट था, मैंने सो फाइंड आउट किया था एटलीस्ट 3 टचिंग पॉइंट, तो यहाँ पे 4 टचिंग पॉइंट है। तो उस हिसाब से एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था जो सपोर्ट निकालने के लिए। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, कहाँ पे आया था, 3450 में। तो साथ में यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, जो सिंपल 200 मूविंग एवरेज ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के एक साथ में रुका हुआ है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ से मार्केट बाउंस होने का चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट ओके। तो ये हो गया पहले हमें सपोर्ट। तो नेक्स्ट मैंने रेजिस्टेंस लाइन क्यों डाला था यहाँ पे, और रेजिस्टेंस लाइन आप देख सकते हैं हायर पॉइंट, मार्केट ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल बट नॉट एबल टू, अगेन मार्केट फेल डाउन फ्रॉम दैट एरिया, अगेन मार्केट गॉन अप एंड हिट द प्रीवियस सपोर्ट एंड गिव लिटिल मोर रिट्रेसमेंट, अगेन ब्रेक डाउन एंड अगेन कैम डाउन एंड मेक ए सपोर्ट लेवल। सो वी गॉट 3 पॉइंट हियर राइट, 3.1, 2, 3, so I make a horizontal line for resistance line, okay, this is the resistance line, okay, so यहाँ पे मुझे मिल गया support and resistance, ठीक है, ये हो गया weekly, हमने क्या निकाल लिया, support और resistance, क्योंकि daily इसलिए नहीं निकाला, तो अगर हम daily करेंगे, तो इसमें support और resistance ये आता नहीं, तो इसलिए मैंने weekly निकाल लिया, राइट तो वीकली। और एक बात देख सकता है, हमने अगर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट किया तो प्राइस कहां तक आ सकता है, तो प्राइस यहां पे आ सकता है। यहां पे मैंने क्यों कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं ब्रेकआउट किया था हाई पॉइंट, फिर यहां पे ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, और यहां पे सपोर्ट बना था, ब्रेकआउट होके सपोर्ट बना था, तो मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे भी मिला अराउंड 4 to 3.9। तो ये तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसका बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ये रीजन में या मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आने का चांसेस है या यहाँ से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो हम पहले जाए हम डेली में, तो डेली में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली
जहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लाइन डाला था तो एग्जैक्टली वहाँ पर ही है मार्केट। तो यहाँ से अभी देखेंगे हम ब्रेकआउट करेंगे और ये जो मूविंग एवरेज जो आ रहा है एक हमें एक कंफर्मेशन मिला तो क्या है स्टोकेस्टिक ओवरबोट और सॉरी ओवरसोल्ड जोन में था यहाँ से यहाँ तक राइट। तो अब भी थोड़ा ये कंफर्म कर रहा है कि ऊपर जाने वाला है। सीसीआई भी सेम था तो अभी कंफर्म कर रहा है कि ऊपर जाने वाला था। तो और एक देख सकता है यहाँ पे एक मूविंग एवरेज साथ में आ रहा है, ये कौन सा था फाइव मूविंग एवरेज राइट। तो यहाँ पे कोई नया बाउंस बैक हमें मिला नहीं, जैसे यहाँ पे हमें बाउंस मिला बाउंस स्ट्रेटेजी राइट, बाउंस मार्केट बाउंस, तो ये कोई बाउंस नहीं हुआ, कंटिन्यूअस नीचे आया। तो मुझे लगता है ये एटलीस्ट 20 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आने का चांसेस है अराउंड 4000 पॉइंट तो तक मार्केट जाने जाने का चांसेस है। ये हो गया अब डेली, तो अगर हम 4 आवर में देखें तो 4 आवर में मार्केट क्या हो रहा था, ये 20 मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा था राइट, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई राइट, लोअर लो लोअर हाई, देखा ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। और अभी क्या रहा है ये लोअर लो, इसको लोअर लो ब्रेकआउट नहीं किया तो लोअर एक लोअर लो एक यहाँ पे एक हायर हाई बनाया राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक क्या बना रहा है हायर हाई, जो पहले हायर था उसको ब्रेक ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद मुझे लगता है थोड़ा रिट्रेसमेंट देना चाहिए एक लोअर हाई बना के मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। ये हो गया 4 आवर में। तो अगर हम छोटा टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में आप थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे एक हमें कंफर्मेशन मिला हुआ है ठीक है। तो कंफर्मेशन क्या है, लोअर हाई लोअर लो राइट, लोअर हाई ये हायर लो राइट, ये लोअर लो था अभी यहां पे क्या बना हायर लो एंड एक हायर हाई बनाया, ये हाई हायर हाई फिर से क्या बनाया ये यहां पे और क्रॉस ओवर हो गया मूविंग एवरेज 200 के अकॉर्डिंग टू 15 मिनट, एक बनाया यहां पे हायर लो और नेक्स्ट हायर हाई बनाने के चांसेस है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे आज बाय जाना ज्यादा चाहिए रहेगा क्योंकि सीसीआई जीरो क्रॉस ओवर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन हाई प्रोबेबिलिटी टेस्ट किसको बोलते हैं, स्टोकेस्टिक कंफर्म फॉर अप ट्रेंड प्रोबेबिलिटी 1 इट विल गो अप, सीसीआई क्रॉस 0 लेवल प्रोबेबिलिटी 2 इट विल गो अप, थर्ड हायर हाई हायर लो प्रोबेबिलिटी 3 इट माइट गो अप राइट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कौन सा मूविंग एवरेज, आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज 100 and 150 सपोर्टिंग जोन बना रहा है और ये जो प्राइस एक्शन का पैटर्न है अकॉर्डिंग टू नंबर 4 प्राइस एक्शन पैटर्न हायर हाई हायर लो प्राइस एक्शन पैटर्न। और हमें एंटी कहाँ करना है मैं अभी आपको बताऊं, ये जो हायर पॉइंट है तो हायर पॉइंट ब्रेकआउट करने का बाद हम एंटी में जाएंगे ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे सेल किया फिर से ऊपर खींच लिया फिर सेल किया पूरा ऊपर लेके गया, मतलब यहाँ पे जो बायर है बायर ने डोमिनेट करके रखा हुआ है सेल को। तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया अराउंड आपका अभी चल रहा है 27 अराउंड 3800 का ऊपर से आप बाय जा सकते हैं क्योंकि ये फुल्ली कंफर्मेशन। और एक होता है ब्रेकआउट पॉइंट, तो आप देख सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो इसमें जाने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।